हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल थ्री में। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बालवीर थ्री एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि बालवीर को सुषमांग कहता है कि इसे घसीट कर लेकर जाया जाए क्योंकि इसने गुनाह किया है। तो महामहिम कहता है नहीं, ऐसे तुम नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये बालवीर है, इसका जो है इज्जत करो। तो वहीं पे बहस होने लगती है कि इसे क्या किया जाए। तो वहीं पे बालवीर को महामहिम कहते हैं यहाँ पे इसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, इसे अदालत जब लगेगी वहाँ पे पेश किया जाएगा, वहाँ पे दोनों अपना गवाही देंगे, जिसका होगा उसी वही कौन निर्दोष है कौन नहीं है। तो उसके बाद से हिमान लोग दिखाए जाए, हिमबास लोगों में सबसे पहले वहाँ पे आगील क्या करती है कि काश्मी का प्रतिबिंब बनाती है, काश्मी का प्रतिबिंब बना के एक ऐसा जादू करती है जिससे कि वो जैसे जैसे वो करती है यहाँ पे, जैसे कि वो इधर से करती है तो वहाँ पे जो पृथ्वी लोग पे काश्मी रहती है वो भी लड़ती है दीवार में और कोशिश करती है कि मैं इसे अपने जो लोग हैं वहाँ पे ला सकूँ। वो समझती है कि जो उदाका लोग में काश्मी है, लेकिन उसके माँ ने जो है पृथ्वी पर भेज दिया था, यानी उसकी माँ तैयोर ने भेजकर उसे एक घर में रख दिया था, वहाँ पे उसे सुला दिया था, वहीं पे जाकर वो सो गई थी और वहाँ से घर पूरा बंद था इसलिए वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। और बालवीर को उदाका लोग में ले जाया जाता है। उदाका लोग में बालवीर को सबसे पहले दोनों जो मुजरिम रहते हैं जिन्हें ये मार देता है निर्दोष लोगों को, उन लोगों को पेश किया जाता है। तो बालवीर देखकर थोड़ा सा उसे याद आने लगता है कि इसे मैंने कहीं देखा है, तभी उसको याद आता है कि मैंने इसे कहीं देखा था। वो झूला जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वहीं पे मैंने इन दोनों को बचाया था, फिर ये यहाँ पे कैसे आए। उसके बाद से इसे समझ में आता है ये तैयोर है जो कि हिमांक लोग की सेनापति। तब उसे समझ में आता है कि कोई तो बात है, इसीलिए ये पृथ्वी पर गई होगी। उसके बाद से बालवीर अपना जो है बेगुनाही का सबूत जुटाने का कोशिश करता है। उसके बाद पृथ्वी लोग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक परिवार दिखाया जाता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, नारियल लेकर वहाँ पे जो ड्रोन के मदद से कुछ जादू करते हैं, वो दिखाने की कुछ कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई इसके पास एक लड़का रहता है, उसके पास जादू रहता है, वो डायरेक्ट उदान लोग से यानी कि सुषमांग से जुड़ा रहता है। जो भी खबर रहती है यानी कि पृथ्वी पर कोई बुराई जाती है तो वो संकेत कर देती है सबसे पहले, और उसके बाद से उदान लोग का जो खबरी रहता है वो चेक करता है एक दूरबीन के मदद से, कोई बुराई तो आसमान में नहीं है, उससे पता चल जाता है यानी कि दिखाई देता है कुछ। उससे चेक करने के बाद उसे कहता है यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसके बाद से जो ड्रोन के मदद से नारियल कूड़ा रहा था उसे कहता है नहीं, मैं तो जादूगर हूँ, मैं ट्राई करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर कहीं कहीं पर जादू दिखाता हूँ कि ये सफल हो पा रहा है या नहीं। बाद से फिर से उदाका लोग दिखाया जाता है जहाँ पे बालवीर कहता है मैं निर्दोष रहूँगा तो फूल बरसेगी, अगर मैं निर्दोष नहीं रहूँगा तो आग के गोले। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जाता है जादू से या फूल बरसने लगते हैं या फिर कैसे, इसका कोई भी पता नहीं चल पाता है, फूल बरसने लगता है। उसके बाद से अदालत में बालवीर को पेश किया जाता है। वहाँ पे अब आगे देखिए में दिखाया जाता है कि बालवीर देखता है कि आग के गोला आकाश में बरस रहा है, वो भी अगिल बरसा रही है, जाने के लिए बालवीर तैयार रहता है, तभी सुषमांग उसे रोक लेता है और वहाँ पे फाइट होने लगता है, दोनों में फाइट होने लगेगा। उसके बाद से आप आगे के एपिसोड देखने के लिए सोनी लिप पर जाएं और वहां से देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा TRP कमा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।